Today we are discuss about mammalian diversity. In this video, we'll see phylogenetic relationship of mammals. I hope you are familiar with the word phylogenetic. What is phylogenetic? Phylogenetic means the evolutionary relationship between the species. The genetic relatedness and evolutionary relationship between species is represented of phylogenetic. ठीक है? कि ये जो हम कहते हैं कि स्पीशीज़ के दरमियान में जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो हम एक फाइलोजेनेटिक ट्री की मदद से देखते हैं. ये कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी मदद से फाइलोजेनेटिक ट्री बनता है. तो आज के लेक्चर में हम मैमल्स का फाइलोजेनेटिक ट्री देखेंगे. ठीक है, तो ये बिल्कुल एक ट्री की तरह का नज़र आता है. इसे आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, ये एक फाइलोजेनेटिक ट्री है. तो इसे हम देखेंगे कि जो एविडेंस हमें मिले फॉसिल से. ठीक है, हम कहते हैं कि हमने जितने भी एरास के बारे में पढ़ा, जैसे कि पैलियोज़ोइक है, मीज़ोज़ोइक है, सीनोज़ोइक एरा है. ठीक है, तो इन एरास के दरमियान में हमें ये डिफरेंस कैसे पता चला कि बाउंड्रीज बिटवीन दीज एरास कैन बी सीन इन द फॉसल रिकॉर्ड्स. हमें ये जो फॉसल मिले उनकी मदद से हमें पता चला कि पैलियोज़ोइक और मीज़ोज़ोइक और सीनोज़ोइक में क्या डिफरेंस आया. हाउ यूनिसेलुलर बिलोंग टू मल्टीसेलुलर. ठीक है, या हाउ मल्टी सेलुलर बिलोंग टू द यूनिसेलुलर, कि इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, कि यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बने, मल्टी सेलुलर के बाद फर्दर उसमें कैसे डाइवर्सिटी हुई. तो ये सारी चीज़ें हमें फाइलोजेनेटिक ट्री की मदद से पता चलता है. तो कुछ हमें फॉसल्स मिले और मॉलिक्यूलर एनालिसिस की वजह से हमें पता चला कि मोनोट्रीम्स जो हैं वो सेपरेट हैं फ्रॉम अदर मैमल्स एंड इट्स अबाउट 180 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, कि जो मोनोट्रीम्स हैं वो डाइवर्स्ड हैं फ्रॉम अदर मैमल्स एंड इट्स अबाउट 180 मिलियन ईयर्स अगो एंड दैट मार्सोपियल्स डाइवर्स्ड फ्रॉम यूथेरियन. ठीक है, एक तो हमने बात कर ली कि जो मोनोट्रीम है वो डाइवर्स्ड हैं किससे, अदर मैमल से. उसके अलावा जो मार्सोपियल्स हैं वो डाइवर्स्ड हैं किससे, प्लेसेंटल मैमल से. और प्लेसेंटल मैमल्स की अगर बात करें इट्स अबाउट 140 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, तो हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स ने हमें ये क्लियर कर दिया कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द यूथेरियन ऑर्डर थ्रू देर इज स्टिल नो ब्रॉड कंसेंसस ऑन अ फाइलोजेनेटिक ट्री. ठीक है, तो हम कहते हैं कि कोई इसमें कंसेंसस नहीं है. हमने कंसेंसस जो है ये अपने जब फाइलोजेनेटिक ट्री को डिस्कस किया था उसमें हमने पढ़ा था कि कंसेंसस क्या है. तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, मोनोट्रीम्स हैं, मार्सोपियल्स हैं और यूथेरियन हैं. ये थ्री क्लेड्स बने हुए हैं और यूथेरियन जो ये फर्दर फोर क्लेड में आगे हुआ हुआ है. ठीक है, सॉरी थ्री क्लेड्स हैं. ठीक है, तो हमारे पास एंसेस्ट्रल मैमल्स की अगर बात करें तो ये आपको सामने के थ्री मेन क्लेड नज़र आ रहे हैं, उसके बाद यूथेरियन फर्दर आगे सब क्लेड्स में डिवाइड हुआ हुआ है. तो हमने देखा कि जो है डायनासोर्स की अगर बात करें तो डायनासोर्स हमें मीज़ोज़ोइक एरा में पता चला. उसके अलावा ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस कब हुए, वो लास्ट सीनोज़ोइक एरा में एवॉल्व हुए. ठीक है, डायनासोर्स कब एवॉल्व हुए थे, वो मीज़ोज़ोइक एरा में हुए. उसके अलावा ह्यूमंस कब हुए, वो लास्ट सीनोज़ोइक एरा, द लास्ट ऑफ द सीनोज़ोइक एरा. अब इस ट्री की मदद से हमें पता चलता है कि जैसे जो सबसे पहले एक ट्री है इसमें जो ऊपर सबसे पहले दो क्लेड्स जो हैं वो सिमिलर हैं, जैसे आपको मोनोट्रीम और मार्सोपियल नज़र आ रहे हैं, इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. इस तरह फ़र्ज कर लें कि हमें यहाँ पर एक ह्यूमंस है. ठीक है, यहाँ पर दो क्लेड बने हुए, आप लिख लें कि यहाँ पर ह्यूमन है और दूसरी साइड पर इसके एक और ब्रांच गैलरी है जहाँ पर हम कह रहे हैं कि चिंपैंजी है. अब ह्यूमंस और जो चिंपैंजी हैं वो एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड होते हैं. ठीक है, उसके बाद आप जैसे जैसे इस ट्री के एंड पे आ जाएंगे, एंड पे आप एक ब्रांच देख रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे आपको कोई प्राइमेट नज़र आ रहा है या कोई और हम रख लेते हैं. ठीक है, जैसे आप स्पॉन्जेस रख लें. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस लास्ट पे एक स्पॉन्जेस को रख लेते हैं. अब वो जो ह्यूमंस और चिंपैंजी है उससे वो जो स्पॉन्जेस है वो लेस रिलेटेड होगा. अब ये आपको जिस तरह मोनोट्रीम और मार्सोपियल है, यहाँ पर हम अगर बात करें कि हमने एक ह्यूमन और चिंपैंजी को देखा, सपोज किया, तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के क्लोजर रिलेटेड होंगे. और जैसे आप इस एंड पे आ जाएंगे, जैसे ये आपको लास्ट पे फॉलीडोटा और कार्निवोरा नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे अगर हम रख लें कोई स्पॉन्जेस तो ये उस सबसे पहले वाले क्लेड से बहुत ज़्यादा उनमें फासला होगा, बहुत वो डिस्टेंट होंगे, दे आर नॉट क्लोज रिलेटेड, दे आर लेस रिलेटेड. ठीक है, तो ये हम फाइलोजेनेटिक ट्री में देखते हैं. तो हमें पता चला कि ये हमें बाउंड्रीज किसकी मदद से पता चली, फॉसिल्स की मदद से पता चली. अगर बात करते हैं मोनोट्रीम्स की, तो मोनोट्रीम्स की फाइव स्पीशीज़ हैं. ठीक है, जिसको हम मोनोट्रीमेटा बोल रहे हैं. उसके अलावा मार्सोपियल्स की 324 स्पीशीज़ हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मार्सोपियला बोल रहे हैं.
उसके बाद आगे बात करते हैं यूथेरियंस की। अब देखिए मोनोट्रीम्स जो है वो हमने कह दिया कि सबसे पहले मोनोट्रीम्स आए, उसके बाद मार्सुपियल्स और देन जो है यूथेरियंस आए। अब जो मार्सुपियल है उसका जो आपको ये नज़र आ रहा है क्लेड, ये यूथेरियन के साथ मिला हुआ है, क्योंकि हमने कहा था कि मार्सुपियल और यूथेरियन के दरमियान में एक लिंक मौजूद होता है, इनके दरमियान में एक कनेक्टिंग लिंक मौजूद है। उसके बाद यूथेरियन जो है इसको फर्दर सब क्लेयर्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं फर्दर सब क्लेयर्स में, तो ये हमें मिलता है प्रोपोसीडिया है, सिरेनिया है, उसके अलावा हाइड्रोसाइडिया है, उसके अलावा टोबिलिडेंटेटा है, ठीक है। ये फर्दर हमें आगे कुछ ऑर्डर्स मिलते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर्स हैं और इनकी क्लास है मेमिलिया, ये सारे ऑर्डर्स हैं और इनकी क्लास क्या है, वो है मेमिलिया। तो उसके बाद आगे हमें पता चलता है कि इसके बाद एक और ऑर्डर मिला जो हम कह रहे हैं जिनर्थ्रा, ठीक है। उसके बाद आगे है रुडेंशिया है, लेगोमॉर्फा है, प्राइमेट्स हैं, डर्मोप्टेरा है। उसके बाद आगे आता है स्कैंडेट्रिया है, उसके बाद आगे एक और क्लेड बना हुआ है जिसमें कार्निवोरा है, उसके अलावा है आगे चिरोप्टेरा है, यूलिपोटेफिला है, उसके अलावा फॉलीडोटा है जिसमें पेंगुलिन वगैरह आते हैं। इसमें ये फर्दर ऑर्डर्स जो हैं हमें नज़र आ रहे हैं। अब हम इसकी डिटेल देख लेते हैं कि इनके क्या करेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है। तो ये अगर सबसे पहले बात करें हम प्रोबोसीडिया की बात करते हैं, तो ये हम कहते हैं कि ये द क्लेड ऑफ यूथेरियंस इवॉल्व इन अफ्रीका। ये क्या कौन सी क्लेड है कि जो इवॉल्व हुई थी कहाँ पे, अफ्रीका में, व्हेन दिस कॉन्टिनेंट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर लैंड मैसेस। कि जब जो एक अफ्रीका की हम बात करें तो जो कॉन्टिनेंट है वो आइसोलेट हो गया था दूसरे लैंड मैसेस के साथ, उनके दरमियान में जो है वो आइसोलेटेड हो गया। आइसोलेटेड का क्या मतलब है कि वो अलग हो गए, ठीक है। और हम कहते हैं कि इट इंक्लूड्स अर्थ लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल, जिसमें हम बात करें कि अफ्रीकन एलिफेंट की बात करते हैं, एज वेल एज स्पीशीज डैट वे लेस देन 10 ग्राम। इन वो एनिमल्स आते हैं जिसका वेट हम कहते हैं कि लेस देन 10 ग्राम है। उसके अलावा इसमें लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल्स भी आते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं जिनर्थ्रा की, तो इसमें क्या है कि ऑल मेम्बर्स ऑफ दिस क्लेड विद अंडरवेंट एन एडेप्टिव रेडिएशन इन साउथ अमेरिका। अंडरवेंट हम कहते हैं किसी पास्ट को, ठीक है, अंडरगो पास्ट के। इस जितने भी इस क्लेड में मेंबर्स हैं वो क्या हैं, ये जितनी जो अडेप्टिव रेडिएशन हुई थी साउथ अमेरिका में, उसके बाद ये हमें पता चला जिनर्थ्रा का, ठीक है। वन स्पीशी द नाइन बैंडेड आर्मेडिलो इज फाउंड इन द साउदर्न यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ पर कौन से इस स्टेट में कौन से हमें मैमल्स मिलते हैं जिसमें उसमें आता है आर्मेडिलो, उसके अलावा आंट ईटर भी आता है, और ये कहाँ पे मौजूद हैं, ये साउदर्न यूनाइटेड स्टेट में मौजूद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो क्लेड नज़र आ रहा है उसमें है रुडेंशिया। ये जो क्लेड है इसका मतलब है कि कुछ कैरेक्टर्स इनमें जो है वो मिलते जुलते हैं, ठीक है। जैसे हमने प्रोबोसीडिया और जिनर्थ्रा की बात की तो इनके भी कुछ कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। उसके बाद आगे हम रुडेंशिया की बात करें, लेगोमॉर्फा की बात कर रहे हैं, प्राइमेट्स और डर्मेप्टेरा, उसके अलावा स्कैंडेंशिया की बात करें तो इसमें ब्रैकेट में जो आपको नज़र आ रहा है इसमें ये एनिमल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये जो प्राइमेट्स की अगर बात करें तो प्राइमेट्स ओरिजिनेट हुए थे अबाउट 85 to 55 मिलियन ईयर्स गो, पहले की ये बात है। इसके अलावा इसमें क्या है, लेगोमॉर्फा की बात करें तो लेगोमॉर्फा में 2 लिविंग फैमिलीज मौजूद हैं। अब की अगर बात करें तो इसमें 2 फैमिलीज मौजूद हैं जिसको हम लेपोरिडाई बोलते हैं। लेपोरिडाई में हेयर्स आते हैं, रैबिट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो हमने बात कर ली कि लेगोमॉर्फा की बात की, प्राइमेट्स की बात की। उसके अलावा जो है अगर बात करें किसकी, कार्निवोरा की बात करते हैं, तो कार्निवोरा क्या है कि हम कार्निवोरा के बाद आगे हम बात कर देते हैं कि टेरिटोडैक्टाइला, ठीक है, कि टेरिटोडैक्टाइला की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इन ये जितने भी सारे ऑर्डर्स हैं, ठीक है, ये जितने भी सारे ऑर्डर्स हैं ये किस क्लास बिलोंग कर रहे हैं, ये क्लास मेमिलिया से बिलोंग कर रहे हैं। उसके अलावा अगर ये बात कर लेते हैं कि टेरिडियोडैक्टाइला की, तो ये एवॉल्व हुआ था आर्टियोडैक्टाइल की, ठीक है, आर्टियोडैक्टाइल से एवॉल्व हुआ था। उसके अलावा एक और ऑर्डर था जिसका नाम है सिटेशिया, ठीक है, सिटेशिया और आर्टियोडैक्टाइल की वजह से इसको ये नाम मिला, इन दोनों की मदद, ठीक है, सीईटी से वहां से इसका नाम आ गया। उसके अलावा आर्टिडेक्टाइला, ठीक है, सीटा आर्टिडेक्टाइला, ये दोनों की मदद से इसका नाम जो वजूद में आया।
उसके अलावा अगर चिरपरा की बात करें तो इसमें बैट्स वगैरह शामिल हैं, ठीक है। तो उसके अलावा फॉरीडोटा में हम बात करते हैं, पेंगुलिन्स की बात करते हैं। इसके बाद ये हमने डिस्कस कर लिया डाइवर्सिटी इन मैमल्स के फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हमें शो हो रहा है। उसमें अगर आप बात करें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इससे बैक जाएं कि इस मैमल से पहले हमने बात की थी कोर्डेटा की बात की थी, तो कोर्डेटा में हमने देखा कि रेप्टाइल्स आते हैं। अगर कोर्डेटा का भी इसी तरह फाइलोजेनेटिक ट्री बनाएं तो उसमें रेप्टाइल्स आते हैं, उसके बाद एम्फीबियंस, देन मैमल्स आते हैं। अब मैमल्स जो हैं, जिसको हम मैमिलिया बोल रहे हैं, क्लास मैमिलिया से बिलोंग करते हैं ह्यूमंस। अब जो हैं ह्यूमंस बिलोंग टू इट, मैमिलिया से ह्यूमंस बिलोंग करते हैं, और आगे मैमिलिया को फर्दर डिवाइड किया होता है जिसमें क्रेशिया आता है, कार्निवोरा और प्राइमेट्स आते हैं। क्रेशिया में अगर बात करें तो वेल्स और डॉल्फिन आती हैं, कार्निवोरा में बियर्स वगैरह आते हैं, प्राइमेट्स में लीमर वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये आज हमने देखा कि मैमिलियन डाइवर्सिटी की, आज वीडियो में हम इसको डिस्कस किया कि अब इसके आगे हम अगर इसको डिटेल में देख लें, इस वीडियो में हम इसकी डिटेल में भी देख लेते हैं कि इनके करेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो ये आपने इसको किस तरह याद रखना है कि सबसे पहले जिस तरह हमने पढ़ा है डिटेल में अपनी थ्योरी में पढ़ा है, उसी तरह आपने इसको भी याद रखना है कि मोनेट्री मेटा है, देन मार्सोपिला है, उसके बाद आगे यूथेरियन आते हैं, यूथेरियन में फर्दर ऑर्डर्स हैं, ठीक है, और इनको आपने याद रखना है। उसके बाद अब हम इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं। अब ये आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है जिसमें हम बात कर रहे हैं मैमिलियन डाइवर्स की बात कर रहे हैं। इसमें एक साइड पे ऑर्डर्स और एग्जांपल्स नज़र आ रहे हैं, दूसरी साइड पे उसके मेन करेक्टर्स नज़र आ रहे हैं। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये कौन से करेक्टर्स हैं। ये वही हैं ऑर्डर्स जो अभी हमने उस ट्री में देखे हैं, ठीक है। अभी हमने उस ट्री में जिस तरह देखा, इसी तरह हम इसमें भी देख लेते हैं कि उनके क्या करेक्टर्स हैं। अब इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले अगर हम मोनोट्रीम्स की बात करें, मोनोट्री मेटा ऑर्डर, मोनोट्री मेटा, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, इसमें एकाइडना आता है, प्लेटिपस आता है, ये सामने इसकी डायग्राम भी आपको नज़र आ रही है एकाइडना की। अब हमने जब इसके डिटेल में पढ़ा था थ्योरी में, तभी हमने इसको डिस्कस किया था कि ये अंडे देते हैं, इसके अलावा इनमें निपल्स मौजूद नहीं होते। यंग सक मिल्क फ्रॉम फर ऑफ मदर्स, ठीक है, इनके जो यंग वन है वो मिल्क जो है वो सक करते हैं फ्रॉम द फर ऑफ द मदर्स, ठीक है, मदर से ये मिल्क अपना सक कर लेते हैं। उसके अलावा हम पहले फर्स्ट वाले को कर लेते हैं डिस्कस, उसके बाद हम सेकंड को डिस्कस कर लेते हैं, या पहले हम मार्सोपिला को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नीचे जिस तरह हमने ट्री में देखा उसी ऑर्डर के हिसाब से हम नीचे जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं उसके बाद मार्सोपिला की। मार्सोपिला में हम कहते हैं कैंगरूज आते हैं, पॉसम्स आते हैं, कोआलाज आते हैं, तो ठीक है, कोआला की आपको एक डायग्राम भी नज़र आ रही है। तो अब कहते हैं कि ये क्या है इनके करेक्टर्स, कि एम्ब्रियो कम्प्लीट्स डेवलपमेंट इन पाउच ऑफ मदर। हमने जब मार्सोपियल पढ़ा था, हमने कहा था कि इसमें जो यंग वंस होते हैं वो अपनी डेवलपमेंट को मदर की जो पाउच है उसमें करते हैं कम्प्लीट, ठीक है, अपनी जो कम्प्लीट एम्ब्रियो जो है वो डेवलपमेंट कहाँ पर होती है, मदर के पाउच में होती है, ठीक है, क्योंकि वो हम कहते हैं इमेच्योर पैदा होता है, उसके बाद वो मदर के पाउच में अपनी डेवलपमेंट को कंप्लीट करता है। तो ये हमने ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले मोनेट्री मेटा को देखा, उसके बाद मार्सोपियला को देखा, उसके बाद हम आगे बात करते हैं प्रोबोसिडिया की। ये हमने यूथेरियन के आगे हम ऑर्डर्स को डिस्कस करते हैं, तो उसी तरह हम जिस तरह हमने पढ़ा है चार्ट में उसी तरह हम इनके ऑर्डर्स को डिस्कस करते जाएंगे। प्रोबोसिडिया की अगर बात करें तो इसमें एलिफेंट्स आता है, हमने देखा कि इसमें अफ्रीकन एलिफेंट आते हैं, नज़र आते हैं। तो अफ्रीकन एलिफेंट के अगर करैक्टर्स को देखा जाए या प्रोबोसिडिया के मेन करैक्टर्स को देखा जाए, ये हम मेन करैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो ये लॉन्ग होते हैं, उसके अलावा इनकी ट्रंक मस्कुलर होती है, ठीक है, इनकी ट्रंक मस्कुलर होती है, उसके अलावा इनकी जो स्किन है वो लूज़ होती है, थिक होती है, लूज स्किन है। उसके अलावा अपर इंसाइजर्स इलोंगेटेड एज टस्क, इसके जो अपर इंसाइजर्स हैं इलोंगेटेड एज टस्क। अब टस्क क्या चीज़ है, ठीक है, जिस तरह हमारे टीथ मौजूद हैं इसी तरह एलिफेंट्स के भी आपको दो सामने नज़र आते हैं, जैसे ये आपको एलिफेंट में वाइट कलर के नज़र आते हैं अक्सर, आपने देखा होगा दो इसकी ट्रंक की, एक साइड पर एक टस्क है, दूसरी साइड पर दूसरा टस्क है, ठीक है, उसको हम टस्क बोलते हैं, वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो एलोंगेटेड फ्रंट टीथ बट नॉट इन पेयर्स, ये पेयर्स के फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इलोंगेटेड फॉर्म में है, ठीक है, उसके टीथ हमें जो नज़र आ रहे हैं इलोंगेट फॉर्म में, वो कहता है टस्क। अब इस टस्क का क्या फंक्शन है, इट इज़ यूज फॉर डिफेंस एंड इट इज़ यूज फॉर फूड एंड फॉर लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स, डिगिंग, स्ट्रिंग बार्क, टू ईट फ्रॉम ट्रीज।
कि ये हमें डिफेंस के पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा फूड फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ चीज़ें वगैरह उठाने के लिए भी ये इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा स्ट्रिपिंग बार के ये अगर कोई टहनी वगैरह है उसको तोड़ के उसको अपने खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं टस की मदद से। ठीक है, ये ट्रंक हमें एक एलिफेंट की लंबी सी नोज़ हमें नज़र आ रही होती है, उसकी साइड पे दो आपको वाइट कलर के नज़र आ रहे होते हैं, एक टीथ होता है, ये दो हमें टीथ नज़र आ रहे होते हैं इनको हम टस्क बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सिरिनिया की। अब सिरिनिया की अगर बात करें तो इस कौन से मैमल्स आते हैं, उसमें मैनेटी आता है यानी कि मैनेटीज शामिल हैं, आपको डायग्राम भी नज़र आ रही है मैंने टीम्स की, उसके अलावा डगंग्स भी शामिल हैं। अब इसके करेक्टर्स को देखें तो ये एक्वेटिक हैं, ठीक है, एक्वेटिक इनकी शेप से ही पता चल रहा है कि ये एक्वेटिक हैं। उसके अलावा ये फिन लाइक हैं, फोर लिम्स हैं एंड नो हैंड लिम्स, इनके आपको सामने फोर लिम्स नज़र आ रहे हैं पर इनके हैंड लिम्स मौजूद नहीं हैं। उसके अलावा ये हर्बीवोरस हैं, ठीक है, ये हर्बीवोरस हैं। उसके अलावा आगे हम बात करते हैं ट्यूबिलीडेंटेटा। अब इसमें कौन से मैमल आते हैं, इसमें अडवॉक्स आते हैं। अडवॉक्स क्या चीज़ है कि इनके टीथ कंसिस्टिंग ऑफ मैनी थिन ट्यूब्स, इनके जो दांत होते हैं उसमें क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा थिन ट्यूब्स मौजूद होती हैं, दिस सीमेंटेड टुगेदर, जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। उसके अलावा ये क्या खाते हैं, ये आंट्स वगैरह को खाते हैं और टर्माइट्स वगैरह को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, दीमक वगैरह को ये अपनी खुराक तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आगे हम बात करते हैं जीनर्थ्रा की बात करते हैं, यही है आई थिंक उसके बाद ऑर्डर, हाँ ठीक है। अब हम बात करते हैं जीनर्थ्रा की, बात करें तो इसमें कौन से मैमल्स शामिल हैं, इसमें स्लॉथ्स है, उसके अलावा आंट ईटर है, एरमेडिलॉस शामिल हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें आपको जो डायग्राम शो हो रही है वो टमेंडुआ की शो हो रही है, वो भी जीनर्थ्रा में आते हैं। अगर इसे करेक्टर्स की बात करें तो ये रिड्यूस्ड टीथ होते हैं, उसके अलावा या तो हम कह सकते हैं इनके टीथ मौजूद होते ही नहीं है या बहुत कम है, रिड्यूस्ड है। उसके अलावा ये हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये हर्बीवोरस हैं या फिर ये कार्निवोरस भी हो सकते हैं। अगर हर्बीवोरस की बात की जाए तो हर्बीवोरस स्लोथ्स होते हैं, स्लोथ्स हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है, स्लोथ्स एक मैमल है। उसके अलावा जो कार्निवोरस है वो आंट ईटर और अर्मेडिलॉस जो हैं ये क्या हैं, ये कार्निवोरस होते हैं। उसके अलावा अगर स्लोथ हमने बात की कि ये एक मैमल है तो ये अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना ये ट्रीज़ के साथ लटके हुए गुजार देते हैं, ठीक है, स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम फॉर हैंगिंग अपसाइड एंड डाउन इन द ट्रीज़, ठीक है, एक ट्री है उसकी टहनी पे ये अप एंड डाउन मूव करते रहते हैं, उसकी टहनी पे बहुत ज़्यादा टाइम लटकते हुए गुजार देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये हायरेक्सिस को हम छोड़ दिया था, इसको देख लेते हैं, हाइड्रोसाइडिया। तो हाइड्रोसाइडिया है, इसमें कौन सा मैमल है, हायरेक्सिस है। अब इसमें रॉक हायरेक्स आते हैं। अब इनके अगर करेक्टर्स देखें तो शॉर्ट लेग्स हैं, इनकी टेल स्टमी टेल है, हमें नज़र ही नहीं आ रही इनकी टेल, बिल्कुल स्टमी टेल है। हर्बीवोरस हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और उसके अलावा मल्टी चैम्बर्ड स्टमिक होता है, इसका जो स्टमिक है वो मल्टी चैम्बर्ड होता है। इसके नीचे देखें रुडेंशिया है, रुडेंशिया में हमें पता चलता है कि नाम से कि रूडेंट्स होते हैं, इसमें रेड स्क्वायरल आती है, बीवर्स आते हैं, रैट्स हैं, उसके अलावा माइस है और पॉर्कुपाइंस भी आते हैं। इसके अगर बात करें तो चिजल लाइक कंटिन्यूसली ग्रोइंग इंसाइजर्स वॉन डन बाई ग्रोनिंग हर्बीवोर्स, हम कह रहे हैं कि ये हर्बीवोर्स हैं। चिजल लाइक का क्या मतलब है, इनके टीथ ऐसे होते हैं कि ये कुतर कुतर के खाते हैं, ठीक है, ग्रोनिंग क्योंकि ये कुतर कुतर कर खाना खाते हैं अपना, कि अक्सर आपने देखा होगा स्क्विरल वगैरह और रेड्स को, तो ये अगर उन्होंने अपनी खुराक कोई भी खानी होती है, कभी इनके निशान अगर आपने किसी चीज़ पर खाए हुए देखे हों तो वो पता चलता है जैसे कुतरा हुआ है, तो ठीक है ये कुतर कर अपनी खुराक को खाते हैं। उसके बाद लेगोमॉर्फा की बात करें तो लेगोमॉर्फा में रैबिट्स आते हैं, हेयर्स आते हैं और पाइकस आते हैं, ठीक है, इसके भी चीज़ें लाइक इंसाइजर्स हैं। उसके अलावा हाइंड लेग्स जो हैं हाइंड लेग्स लॉन्गर देन फोर लेग्स एंड अडेप्टेड फॉर रनिंग एंड जंपिंग हर्बीवोरस, ठीक है, इनके भी चीज़ें लाइक इंसाइजर्स हैं। अब इनकी जो हाइंड लेग्स हैं वो लॉन्गर हैं किससे, फोर लेग्स से। उसके अलावा ये रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, हर्बीवोरस हैं, जिसमें जैक रैबिट की आपको डायग्राम नज़र आ रही है। अब अगर चीज़ें लाइक हम देखें कि चीज़ें लाइक किस तरह के होते हैं, चीज़ें लाइक इंसाइजर्स का क्या मतलब है कि इनके जो टीथ हैं हम कह रहे हैं कि वो फ्लैट एंड होता है, डेट इज शार्प यूज फॉर कटिंग, इनका फ्लैट एंड होता है और बिल्कुल फ्लैट से होते हैं और ये कटिंग करने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, शार्प कटर होते हैं। आगे बात करें प्राइमेट्स की तो प्राइमेट्स में लीमर्स आते हैं, मंकीज हैं, चिंपैंजीज हैं, गोरिलाज और ह्यूमंस आते हैं, ठीक है, ये आपको डायग्राम गोल्डन लाइन टमरीन की नज़र आ रही है। अब ये क्या है, ये अपोजेबल थम्स, फॉरवर्ड फेसिंग आइज होती हैं, ठीक है, उसके अलावा वेल डेवलप्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इनमें वेल डेवलप्ड हुआ होता है, ओमनीवोरस होते हैं, ठीक है,
अपोजेबल थम्स का क्या मतलब है कि इनके जो थम्स हैं वो मूवेबल होते हैं, ठीक है। जैसे हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो इसमें ह्यूमंस भी शामिल हैं। जैसे हमारा जो थम है, अंगूठा जिसको कहते हैं, वो मूवेबल होता है, तो इनके भी जो थम है वो मूवेबल होता है, जिसको वो चीज़ों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपोजेबल थम्स यूज फॉर ग्रैस्पिंग थिंग्स, ठीक है। हम अपने अंगूठे को भी चीज़ें पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसकी मदद से चीज़ें आसानी से पकड़ी जा सकती हैं। आगे आते हैं कार्निवोरा। कार्निवोरा में डॉग्स आते हैं, वॉल्व्स, बियर्स, कैट्स आते हैं, विजल्स, उसके अलावा ऑटर्स हैं, सील्स हैं, वॉलवर्सेस आते हैं, ठीक है। ये आपको डायग्राम कॉयोट की नज़र आ रही है। अब इसमें शार्प, क्योंकि कार्निवोरा का क्या मतलब है कि इसमें शार्प टीथ है, हमें ये पता है कि इसमें शार्प टीथ होते हैं। जैसे डॉग्स की बात करें, कैट्स, इनके टीथ बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, इनके पॉइंटेड कैनाइन टीथ एंड मोलर्स फॉर शेयरिंग कार्निवोरस, ठीक है। ये कार्निवोरस क्योंकि कार्निवोरा हैं तो कार्निवोरस ही होंगे, शेयरिंग मोलर्स फॉर शेयरिंग। अब ये जो इनकी मोलर्स हैं, ये जो दाढ़े वगैरह होती हैं इनकी, ये कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे कौन से हैं, आगे हम बात करते हैं पेरिसोडेक्टाइला। पेरिसोडेक्टाइला की बात करें तो इसमें हॉर्सेस आते हैं, ज़ेब्रास हैं, टाइगर्स हैं, रेनोसॉर्स आते हैं, ठीक है। ये आपको डायग्राम इंडियन रेनोसॉर्स की नज़र आ रही है। अब इसके करेक्टर्स क्या हैं कि हूव्स विद एन ऑड नंबर ऑफ टोस इन ईच फुट, हर्बीवोरस हैं ये। अब हूव्स क्या है, हूव्स जो है वो हूव्स जो हैं हूफ की जमा है, HWF हूफ, ठीक है। हूफ्स हूफ की जमा होते हैं, जैसे इसको उर्दू में खुर कहते हैं, खुर, आई थिंक खुर ही बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑड नंबर का क्या मतलब है कि कुछ मिलियन ईयर्स अगो पहले, मतलब कुछ तो नहीं, थाउजेंड्स मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है कि जो हॉर्सेस हैं उनके पास फाइव टोज मौजूद थे, जो हॉर्सेस हैं उनके पास फाइव टोज, उनके एक फुट है ना तो उसके उसके पाँच टोज थे, ठीक है। तो जो हॉर्स होते हैं उसके पास तो एक ही टो है, लेकिन जो ज़ेब्रास और टेपरस और रिनोसॉर्स होते हैं उनके टू टोज हैं ऑन ईच फुट, इसलिए इनको ऑड नंबर कहा जा रहा है। अब आगे हम बात करते हैं सिटर्टियोडेक्टाइला या फिर आर्टियोडेक्टाइला, ठीक है। सिटर्टियोडेक्टाइला या आप टर्टियोडेक्टाइला भी बोल सकते हैं, उसके बाद आर्टियोडेक्टाइला भी हैं। अब इसमें शीप है, पिग्स है, कैटल है, डियर है, और इसके अलावा जिराफाज इसमें आते हैं। या आपको डायग्राम बिग हॉर्न शीप की नज़र आ रही है, इसमें भी हूव्स मौजूद हैं, हूव्स विद एन इवन नंबर ऑफ टोस ऑन ईच फुट। अब इसमें हूव्स विद एन इवन नंबर, उसमें ऑड नंबर, देन इसमें हम बात करें कि इसमें इवन नंबर में होते हैं हूव्स। उसके अलावा इसमें क्या है कि हूव्स के करैक्टरिस्टिक्स देखें तो इनके, जैसे घोड़ों में भी हमने बात की, तो इसमें जो उसकी टिप है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, आपने देखा होगा घोड़ों में वो ब्लैक कलर के होते हैं हूव्स, तो वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। और वो किससे मिलके बने होते हैं, वो केराटिन से मिलके बने होते हैं, हॉर्नी केराटिन कवरिंग होती है, हम कह रहे हैं कि हॉर्नी केराटिन कवरिंग है, केराटिन उसमें शामिल होता है। इसमें इवन नंबर है, उसमें ऑड नंबर है, ठीक है। तो मुख्तलिफ, अगर हम कैट की बात करें इसमें मुख्तलिफ होगा, ज़ेब्रास की बात करें तो उसमें मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो आगे आते हैं सेटेशियंस, ठीक है। हमने सेटेशियंस की बात की, इसमें व्हेल्स आते हैं, डॉल्फिन्स आते हैं, उसके अलावा प्रोपोसिस भी आते हैं। तो हमने ये जो सेटेशियंस और कार्निवर प्राइमेट हमने बात की थी, जो मैंने आपको बताया कॉर्ड डाटा की, हमने जब बात की रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमल्स आते हैं, ये मैमल्स के ही फर्दर आगे ऑर्डर्स आते हैं, उसमें क्रिटेशिया भी आता है, इसमें वेल्स, डॉल्फिन्स और प्रोपाइसिस आते हैं। अब इसके करैक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो वो क्या है कि ये एक्वेटिक है, इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइंड होती है, ठीक है। पैडल लाइक फोर लिम्स होते हैं, बिल्कुल पैडल की तरह के होते हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने स्विमिंग करनी होती है तो उनकी पैडल लाइक शेप होती है। उसके अलावा इनमें हाइंड लिम्ब्स मौजूद नहीं होते। उसके अलावा इसमें थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग ब्लबर कार्निवोरस, थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग ब्लबर कार्निवोरस का क्या मतलब है, सॉरी कार्निवोरस तो एक अलग है कि कार्निवोरस हैं। अब इंसुलेटिंग ब्लबर का क्या मतलब होता है, ब्लबर हम कहते हैं जैसे ह्यूमन हम चर्बी की बात करते हैं, तो इसी तरह इंसुलेटिंग ब्लबर के हम कह रहे हैं कि एक सी मैमल है, उसकी जो फैट होती है उसको ब्लबर बोला जाता है, फैट ऑफ द सी मैमल्स, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं चिरेप्टेरा, जिसमें बैट्स आती हैं, फ्रॉग ईटिंग बैट, ठीक है। ये क्या करती हैं, फ्लाइट का काम करती हैं। इसके अलावा इनकी ब्रॉड स्किन होती है, और वो कहाँ तक एक्सटेंड हुई होती है, उसकी बॉडी से उसकी लेग्स तक। इसके अलावा ये कार्निवोरस भी होती हैं, हर्बीवोरस भी होती हैं। उसके अलावा हम अपना लास्ट ऑर्डर डिस्कस करते हैं, यूलिपोटेफिला, ठीक है। इसमें कॉर इंसेक्टिवोर आते हैं, उसके अलावा सम मोल्स हैं, सम श्रियूज हैं। अच्छा, कॉर इंसेक्टिवोर्स हैं, सम मोल्स एंड सम श्रियूज। इसमें आपको जो पिक्चर नजर आ रही है वो स्टार नोस्ट मोल की है। अब हम यूलिपोटेफिला के करैक्टर्स को देख लेते हैं कि इट्स डाइट कंसिस्ट मेनली ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स। अगर इसकी डाइट की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये
इंसेक्ट ईटर हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स को खा रहे होते हैं, मेनली इंसेक्ट्स को खाते हैं। उसके अलावा ये कुछ स्मॉल इन्वर्टिब्रेट को भी अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये अब हमने आज के लेक्चर में उसका पहले फाइलोजेनेटिक ट्री देखा, उसके बाद हमने मैमेलियन की डाइवर्सिटी को डिटेल में देखा कि इनके जो ऑर्डर हैं उसके फर्दर उसके करेक्टर्स कौन से हैं और उनमें कौन कौन से मैमल्स शामिल होते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ना था।